परीक्षा लेसन फाइव परीक्षा जब रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह हुए उन्हें परमात्मा की याद आई दीवान ऑफ दट स्टेट बिकेम वेरी ओल्ड ही रिम्बर्ड गॉड थॉट दैट ही रेस्पॉन्सिबिलिटी जाकर महाराज से उन्होंने विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की विनय मीन्स रिक्वेस्ट दीनबंधु द पोलाइट वर्ड फॉर किंग महाराज He went to king and said, महाराज this servant served you for 40 years. आप कुछ दिन परमात्मा की सेवा करने की आज्ञा चाहता है नाउ सम डेज आई वॉन्ट टू सर्व गॉड ऑल्सो दूसरे मेरी अवस्था ठहल गई ठहल गई।, गई वेरी वी राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई संभालना कंट्रोल सेकेंडली माई कंडीशन ऑल्सो वेरी बैड आई डिट नॉट है टू हैंडल द अफेयर ऑफ द स्टेट कहीं फूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दागा लगे सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए फूल चूक मिस्टेक दाग फॉल्ट नेकनामी गुड नेम मिट्टी में मिलना टू लोस इफ देर इज ए मिस्टेक समवेयर देर विल बी टेन्स इन ओल्ड ए द गुड नेम ऑफ ऑल लाइफ विल बी फेल इन दूस राजा साहब अपने अनुभवशील दीवान का बड़ा आदर करते थे। अनुभवशील एक्सपीरियंस नीति कुशल एथिकल राजा हैड अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिज एक्सपीरियंस्ड एंड एथिकल दीवान राजा ने बहुत समझाए लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली द किंग एक्सप्लेन द लॉर्ड बट वेन दिवान साहिब डिड नॉट एग्री ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट पर शर्त यह लगा दी कि शर्त कंडीशन रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा खोजना सर्च बट ऑन द कंडीशन दैट ही हिमसेल्फ वुड हैव टू फाइंड ए न्यू दीवान फॉर द देवगढ़ अगला दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट द नेक्स्ट डे एन एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ द कंट्री समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो जेंटलमैन हु फॉर दिस पोजिशन शुड बी इन द सर्विस ऑफ रेसेंट दीवान सरदार सुजान सिंह यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ए ग्रेजुएट मगर उन्हें हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है बट आर हाईली हेल्थी मंदाग्नि की मरीजों को यहाँ तक आने की कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं मंदाग्नि के मरीज मीन्स पेशेंट्स हैविंग लॉस ऑफ एपिटेट

परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा लेस ऑफ लर्निंग बट मोर ऑफ ड्यूटी विल बी कंसिडर्ड जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद के लिए सुशोभित होंगे दो सो पास दिस टेस्ट विल बी एलिवेटेड टू ए हायर पोजिशन फॉर दिस इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी मुल्क मींस रीजियंट दसमेंट पार्क आउटरीज एक्रॉस द कंट्री ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं केवल नसीब का खेल है अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए हंड्रेड्स ऑफ पीपल हेड गैदर्ड टू ट्राई देयर लक देवगढ़ में नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे

कोई नए फैशन का प्रेमी था कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ था सादगी लवर ऑफ न्यू फैशन एंड वाज टू द ओल्ड सिंप्लिसिटी पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला पंडित एंड मौलवी ऑल्सो गोट एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट लक। बेचारे सनद के नाम को रोया करते थे एहम उसकी कोई जरूरत ही न थी ऑल आर हाइलाइटिंग देयर डिग्रीज बट देयर इज नो नीड फॉर इट नाना प्रकार के अंग और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे सज धज दिखाना शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूनिक्स एंड कैंटोप्स स्नातकों की थीद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो दाई डिग्री आर नॉट ने मोस्ट ऑफ द मेम्बर्स आर हाईली एजुकेटेड सरदान सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था सरदार सिंह लोग अपने-अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमान की तरह महीने का दिन गिना करते थे पीपल यूज टू काउंट द डेज ऑफ द मंथ सिटिंग इन देयर रूम्स लाइक फास्टिंग मुस्लिम हरेक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था एवरी मैन ट्राई टू शो हिज लाइफ इन ए गुड वे अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्ट मिस्टर आ नौ बजे दिन तक सोया करते थे आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे मिस्टर ए यूज टू स्लीप टिल नाइन ओ क्लॉक इन द डे एट होम ही यूज टू विजिट इन अर्ली मॉर्निंग एंड वॉकिंग इन द गार्डन मिस्टर बाको हुक्का पीने की लत थी पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे मिस्टर बा सिगरेट इन द नाइट आफ्टर क्लोजिंग द डोर मिस्टर द सा और जा ऐसी उनके घरों में नौकरियों को डांडते थे लेकिन ये सज्जन आज कल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात व्यक्ति तो नहीं करते मिस्टर यस मिस्टर दा सा एंड जा यूज्ड टू टॉक टू द सर्वेंट वेरी रफली इन देयर होम बट दिस जेंटलमैन नाउ वे डेज डू नॉट टॉक टू द सर्वेंट्स विद यू जनाब महाशय एटसेट्रा महाशय का नास्तिक है नास्तिक एथिस्ट मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने की शंका होने लगी रहती थी महाशय का वो सनेथिस्ट but seeing his पायरी nowadays, द प्रीस्ट ऑफ द temple was सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिपोस मिस्टर लागो किताबों से घृणा थी परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे मिस्टर हेटेड लार्ज स्क्रिप्चर्स जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवदा ही मालूम होता था हुई गोडली जेंटिल एंड पोलाइट शर्मा जी

लोग समझते थे कि एक महीने का एक महीने की झंझट है ऑल पीपल दैट दिस डिफिकल्टी विल बी ओवर बाय वन मंथ इसी तरह काट ले जो कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है एंड इफ इट बिकम सक्सेसफुल देन हुम लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में The old man who was diamond to the stage, sitting in the hide and watching that. Among these rains, where is the swan? Thank you.